अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सबा इमरान और आज मैं मौजूद हूँ बहरिया टाउन में मिस्टर ऑफ के घर में, जो कि अपने टैलेंट की वजह से बहुत फेमस है। और इनकी ख़ास बात यह है कि दोनों हाथों दोनों पैरों से सेम टाइम पे डिफरेंट पर्सनैलिटीज के स्केच बना लेते हैं। तो चलते हैं ऑफ से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं डिटेल में उनके टैलेंट के बारे में। तो चलें। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा आप मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि आपको स्केचिंग का आइडिया कैसे आया? असल में स्केचिंग तो हर बंदा शुरू से करता है, लेकिन इसको परस्यू करना, आगे तक लेके जाना, ये बहुत कम लोग करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग पेज बनाया था 2019 में स्केचिंग का, तो उसमें लाइक्स वगैरह नहीं मिलते थे इतने ज़्यादा। अच्छा 2019 में आपने स्टार्ट की थी स्केचिंग करना। ठीक है। तो मुझे इतने ज़्यादा लाइक्स नहीं मिलते थे, ये कोई 10-15 लाइक्स मिलते थे, मतलब वो भी एक दिन के अंदर एक लाइक मिलता था। ठीक है। सोशल मीडिया पे आप सबसे पहले कहाँ आए थे? टिकटॉक पे, इंस्टा पे? अच्छा इंस्टा पे आए थे, ठीक है। अच्छा जो आप स्केचिंग आपने स्टार्ट की वो 2019 में स्टार्ट की, लेकिन आपका शौक कैसे पैदा हुआ इसका, स्केचिंग का, कि आपने स्केचिंग ही करनी है? अच्छा असल में ना ये इसके पीछे एक स्टोरी है। तो जब भी मैं टिकटॉक वगैरह इंस्टा देखता हूँ ना, टैलेंट नहीं देखा जाता पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो फजूल सी चीज़ें आती हैं, उस पर व्यूज़ मिल जाते हैं और इसी वजह से लोग अपना टैलेंट शो नहीं करते। तो अब मेरा मकसद ये है भाई वीडियोस कमाल की बनाए, एडिटिंग करे, तो उसके अंदर मैं अपना सारा दिखाना चाहता हूँ, आर्ट वगैरह। ठीक है। अच्छा आप मुझे आप ये बताओ कि आपने जब स्केचिंग स्टार्ट की तो वो कोविड में ही, 2019 में कोविड वैसे ही ऑलमोस्ट आ चुका था, तो सबसे पहला स्केच किसका बनाया था आपने? सबसे पहला स्केच जो मेरा इनिशियल था ना, अभी भी मैं जो कर रहा हूँ वो थी मतीरा। अच्छा मतीरा का बनाया था। तो असल में अभी भी मैं कर रहा हूँ ना, उन्हीं की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने उस वक्त मुझे फॉलो दे दिया था, एक फॉलो और लाइक। अच्छा, और कमेंट। ओके ओके, तो, मतीरा ने। हाँ जी। अच्छा मैंने आपका देखा है कि आपका पीटीआई ने भी इंस्टा पे शायद आपकी पोस्ट की थी। जी जी। उसके अलावा और भी जरताज गुल और इमरान रियाज खान, आपने स्केचिंग की थी और वो वायरल हुई थी। जी जी हाँ, स्केच की थी। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ऑफ ये बताओ कि स्केचिंग के अलावा आप क्या करते हो? स्केचिंग के अलावा मैं बहुत कुछ खेलता हूँ, मैं रेसिंग करता हूँ, मैराथन, फुटबॉल और स्विमिंग कभी कभी करते। अच्छा स्टडी करते हो, कौन सी क्लास में हो? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा आप फर्स्ट ईयर में हो, तो मुझे ये बताओ जब आप स्केचिंग करते हो और आप फेमस हो कि आप दोनों हाथों से स्केच करते हो एट अ टाइम, ठीक है, डिफरेंट पर्सनैलिटी बना लेते, तो हाँ। तो मुझे इसके बारे में बताओ कि ये बचपन से आपको शौक था और ये बचपन से करते आ रहे हो कि 2019 में आपने ये स्टार्ट किया करना? अब तो सिर्फ दो स्केचिंग वाला तो नॉर्मल है, अब तो मैं पैरों से भी बना लेता हूँ एक साथ। अच्छा दोनों हाथों दोनों पैरों से एट अ टाइम बना लेते हो, ठीक है। तो आपको ये खुद अपने टैलेंट का पता चला? ये मैंने देखा था, एक कोरियन बंदा था। अच्छा। उसने 5 ड्राइंग्स कर रखी थी, तो बस मेरा जिद लग गई थी इसका रिकॉर्ड तोड़ने में। अच्छा, अच्छा। तो अभी मैंने करना है 7 ड्राइंग्स एक साथ करनी, और शायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होगा। जब आप स्केच बनाते हो तो कितना टाइम लगता है एक स्केचिंग में बनाने में? एक जो लाइव स्केच होती है उसके अंदर मुझे लगते हैं 30 मिनट, और जो A4 वाला जैसे ये वाली पड़ी हुई है स्केच, इस पे मुझे एक दिन लग जाता है पूरा। एक दिन लग जाता है अगर मैं कंटिन्यूस करूँ। अच्छा आप मुझे ये भी बताओ कि मैंने आपकी टिकटॉक देखी है, माशाल्लाह से आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पे आप हो, यूट्यूब पे भी आप हो, तो आपकी जो स्केचिंग थी और मैं पेंटिंग्स देख रही थी, वो सिर्फ पेंटिंग जो थी आप हाथ से करते हो, उसके अलावा डिफरेंट थी? हाँ, आपने एक मैंगो पे आमिर लियाकत का स्केच किया था, मुझे उसके बारे में बताओ कि वो किस तरह आपने किया था? वो असल में ना जब उनकी न्यूज़ आई थी तो काफ़ी मतलब सैड मोमेंट था, तो वो मैंगो पे आपने कैसे किया? वो उनका जो एक लाइन थी ना, आम खाओगे आम। अच्छा तो फिर वो बस दिमाग में आ गया, मैंगो मेरे साथ पड़ा। अच्छा उसके अलावा मैंगो के अलावा आप और भी फ्रूट्स पे कर लेते हो? एक केले भी किया था मैंने, उस पर यश राज था, वो इंडियन सिंगर है, और शोएब अख्तर का मैंने आटे पे। अच्छा शोएब अख्तर का आटे पे। हाँ अच्छा एक और आपकी वीडियो वायरल हुई थी, वो ये थी कि आपने यासीन मलिक का किया था और वो पेंटिंग नहीं थी, मतलब स्केच, मतलब स्केच भी नहीं था, कटिंग थी वो। हाँ वो कटिंग थी और वो भी दांतों से। अच्छा वो भी दांतों से की थी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अच्छा इसके अलावा मुझे और बताओ और आपने क्या डिफरेंट किया, क्योंकि एक तो टैलेंट तो आपके पास है, ठीक है, हाथ और पाँव से आप करते हो, लेकिन उसके अलावा जो बाकी मैं देख रही हूँ कि आप फ्रूट्स पे अंडे भी कर रखे, मैंने अंडे की जर्दी से आसिम अजहर बनाया और माहिरा खान, और साउंड ब्लेज भी बनाई थी, वो इंडियन है वो भी। आपने सिद्धू मूसेवाला का बनाया था, सॉल्ट होलोग्राम, उससे मैंने प्रोड्यूस किया था। अच्छा उस स्केच को क्या बोलते हैं?
वो पता नहीं, वो बस मैंने अच्छा बस वैसे ही आप लाइट सॉल्ट बोलते हैं उसको। अच्छा एक ना आपकी मैंने वीडियो देखी जो काफी वायरल हुई थी और वो थी मेरे 3D आर्ट थी, मुझे उसके बारे में बताओ कि उसमें क्या था 3D आर्ट में कैसा। असल में मैं जब 9th में था ना मैंने चैप्टर पढ़ा था अच्छा कि अगर रेड बनाओ तो ब्लू से देखो, तो वो ऐसे जैसे 3D मूवीज होती है, तो बस मैंने वही इंप्लीमेंट आर्ट के अंदर कर दिया। और वही वो इस टाइम मौजूद है 3D आर्ट वाला, मुझे आप दिखा सकते हो? हां ये रहा, ये रहा वो। अच्छा ये वाला आर्ट है, अब मुझे ठीक है ये वाला वो आर्ट है, और अब मुझे ये आप बताओ कि किस तरह हम 3D का क्या सीन है, कि किस तरह हम देख सकते हैं? नहीं चश्मे, चश्मों से अगर देखें ना उधर। अच्छा तो अगर रेड अच्छा, से अगर हम ग्लासेस से देखते हैं जी जी हाँ, तो वो ग्लासेस का कलर कौन सा होता है? अगर मैं इसमें अच्छा ब्लू में देखूंगा तो मुझे ये सुपरमैन नजर आएगा, और अगर मैं रेड से देखूंगा मुझे बैटमैन नजर आएगा। अच्छा डिफरेंट पर्सनैलिटी है जी जी, और अच्छा, अच्छा इसके अलावा मुझे आप बताओ कि और कुछ डिफरेंट सा हो आपके पास जो। मैंने एल्यूजन आर्ट भी किया था एक, अच्छा। एक साइड से इमरान खान दिखेगा और एक साइड से अली मोहम्मद खान दिखेगा। और वो इस टाइम है आपके पास? वो इस टाइम है लेकिन वो सारा टूट गया, मतलब सारा स्प्रेड हो गया। अच्छा जो आप स्केच बनाते हो, पेंटिंग्स करते हो, वो आप गिफ्ट कर देते हो किसी को या अपने पास ही रखते हो? नहीं नहीं मैं आजकल, मुझे ऑर्डर्स बहुत आते हैं कि कमीशन आर्ट बना दो, अगर मैं उसमें लग गया ना तो ये जो कंटेंट मेरा रह जाएगा वो रह जाएगा, और उसके साथ पढ़ाई भी करनी होती है। अच्छा मुझे ये तो स्टडी के लिए टाइम कैसे निकल आता है आपके पास, क्यों आप स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर में हो तो ट्यूशन भी जाते होगे, तो कैसे टाइम निकाल लेते हो स्केचिंग के लिए? ये मैंने टाइम निकाल रखा है, जैसे मैं ट्यूशन से आऊँगा ना 4 घंटे इसका मस्त है, क्योंकि एडिटिंग भी करनी होती है वीडियो, वो भी बनाना। तो स्टडी कब करते हो? वो ट्यूशन हो जाती है कॉलेज में सारा करते। अच्छा लड़के वैसे भी आप करता है, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा मुझे ये भी बताओ कि आपका नाम है ऑफ। जी जी काफ़ी डिफरेंट नेम है, तो ये आपका निक नेम है या आपका अपना नाम है? नहीं नहीं असल में जो मिस्टर ऑफ है ना ये, तो जो मिस्टर है मिस्टर बीस्ट है, अच्छा अच्छा उससे मिस्टर लिया मैंने। इंस्पायर हो आप? जी हाँ। और जो AAF है वो हम 3 भाई हैं। अच्छा बड़े भाई का नाम अहमद है, मेरा नाम अजमेरी है, और छोटे भाई का नाम फहद। और उसका आपने पहला डिजिट, पहला डिजिट वो कैसे आपने किया स्केच, अगर आपके शायद टीचर खड़े हुए थे सामने और आप वो स्केच कर रहे थे? वो बड़ी लेवल कहानी थी, तो अच्छा। जब मैंने पहली दफ़ा बनाया ना सर की, तो सर ने बोला तू अभी टाइम वेस्ट कर, पढ़ ले पढ़ ले, तो सर को यकीन नहीं आ रहा था स्केच इतनी अच्छी अच्छा। बन जाएगी। तो जैसे मैंने सर को दिखाया पहले तो सर शौक भाई एक तूने कैसे बना लिया इतने शॉर्ट टाइम के अंदर, तो इसके बाद से मैंने अभी तक सारे अपने कॉलेज के जो टीचर्स हैं ना उन सबकी स्केच बना दी है मैंने अभी तक। अच्छा सबके स्केच बना दिए? हाँ जी सबके स्केच बना दिए। Without you it will never be same. We lost a legend too early. Don't forget to share this. Future goal kya aapka? Future goal maine Mr. Beast banna hai. अच्छा क्योंकि स्केचिंग आप करते हाँ हो और आप डिफरेंट एक आर्ट लेकर आ रहे हो हाँ पाकिस्तान में, और आप जैसे मैंने आपसे पूछा कि आर्ट के बारे में बताओ कि आप डिफरेंट आर्ट करते हो, वो दांतों वाली और फ्रूट्स वाली वो हमने कभी नहीं देखी, कि आप खुद अपना आर्ट क्रिएट करते हो ठीक है, तो आपका आगे भी ये है कि आप फ्यूचर में भी इस आर्ट को लेकर आगे जाना चाहोगे? 100% मैं हमेशा से यही प्लान है, इसलिए तो अभी आर्ट लेके आता हूं। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, क्या फील्ड है आपकी आगे? ICS अभी मैं लॉ करना है। जी जी हाँ। अच्छा लॉ करना है जी, ठीक हो गया, लेकिन लॉ को साइड पे रखूंगा, इसको फुल टाइम दूंगा। अच्छा इसको फुल टाइम दोगे? आप जैसा कि बता रहे हो कि आप बहुत आगे जाना चाहते हो, जी जी। आपके पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, और हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो पेरेंट्स सपोर्ट करें स्टडी के साथ, तो ये तो एक जो आपके पास टैलेंट है वो गॉड गिफ्टेड है ठीक है, बहुत कम लोग के पास। अच्छा वैसे ये क्वेश्चन है आपसे, ये टैलेंट आर्ट गॉड गिफ्टेड होता है या फिर इसको सीखना होता है? मुझे लगता है कि कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं ठीक है, अगर आप किस चीज में आना चाहो, जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते किस चीज की, हम कभी वो चीज़
सीख ही नहीं सकते। तो जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, हम उसको सीखेंगे, अगर हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है तो हम उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारा होगा ही नहीं इंटरेस्ट उस चीज़ का तो हम नहीं कर सकते। जैसे आप हो, आप कह रहे हो कि आपका इंटरेस्ट है, तो आप तभी तो इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हो। और आप बचपन से तो ये नहीं कर रहे, आपने कहा ये कोविड में आपने 2019 में स्टार्ट किया। नहीं, बचपन में भी टीचरों के बनाए देता था मैं, मतलब वो इतना नहीं होगा ना। आपको अपने बारे में पता चला 2019 में जब आपने कोविड में स्टार्ट किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने दो अकाउंट डिलीट भी किए थे क्योंकि उससे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो लास्ट अच्छा कितने फॉलोअर थे टिकटॉक पे? टिकटॉक पे पहले तो जीरो थे, मुश्किल से 15 हो जाते थे, फिर वो भी अकाउंट डिलीट किया। अब मिलियंस में चले गए हैं? नहीं नहीं, अभी लाइक्स मिलियन में। अच्छा लाइक्स मिलियंस में है, ठीक हो गया। अच्छा ऑफ, मुझे इसके बारे में बताओ, आपने इतनी आर्ट के बारे में बताया, इसके अलावा कुछ डिफरेंट और करना चाह रहे हो? जैसे आपने कहा आप पाँव से भी कर लेते हो। पाँव अभी मैंने 7 वो ड्राइंग बनानी है, और एक मैंने लेजर से भी बनानी है। शीशों से ना एक पाथ बनाऊंगा पूरा, और फिर लेजर चलाऊंगा ना तो उससे किसी की शक्ल बनेगी, तो वो मैंने भी करना है। अच्छा, घर वाले खुश होते हैं आपको देखकर? क्योंकि आपके माशाल्लाह आप काफी फेमस हो रहे हो पाकिस्तान में। पहले तो अम्मी बोलती थी, अब अब्बा बोलता था कि भाई इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा अच्छा, अब थोड़ा ग्रोथ देखते हैं तो बस। नहीं, जैसे मैं आपका रूम में देख रही हूँ, काफ़ी पेंटिंग्स हैं पीछे, इतनी पेंटिंग्स हैं आपने बनाई हैं, और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। और आपका एक टैलेंट है कि आप अगर, जैसे मैंने आपकी वो देखा था, एक लड़की थी वो ट्रेन में बैठी हुई थी, और वो मुझे नहीं पता आपकी फ्रेंड है कौन थी या रैंडम कोई? नहीं, वो रैंडम था। अच्छा रैंडम, तो आपने उसकी पूरा स्केच किया। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक जगह पे बैठ के और आप एक स्केच करते हो, और मतलब मैं इसके बारे में बताता हूँ, बड़ा मुश्किल सीन है। फ्रेम जो आपके स्केच है उसके बारे में मुझे बताओ, वो क्या है? असल में उसको फ्लिपबुक आर्ट बोलते हैं। अच्छा, तो वो मुझे बल्कि एक महीने से भी ज्यादा लगा था। अच्छा, तो उसमें एक फ्रेम, वन फ्रेम फ्रेम स्केच बनाने पड़ते हैं। और मैंने जो ये एग्वायरो का गोल बनाया था, अच्छा, लेजेंडरी गोल था ये, 2012 में उसने मारा था, अमेजिंग। तो ये लास्ट के मिनट्स थे, तो मेमोरेबल मोमेंट था ये, तो इसलिए मैंने रिक्रिएट किया था ये गोल। तो इसमें 500 फ्रेम लगे थे, 500 फ्रेम। वो हम वीडियो चलाएंगे, उसमें दिखाएंगे, काफी इंटरेस्टिंग है वो भी। मुझे बताओ जो आपने स्केच बनाया हमारी बैक साइड पे मेसी का फुटबॉलर है, इसके बारे में तो ये जो स्केच ना, कितना टाइम लगा स्केच बनाने में? और ये पीछे जो आपने ब्लू कलर का थीम, ये बड़ा प्यारा है, ये अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना का ब्लू थीम है। अच्छा, तो और ये मेसी फेवरेट फुटबॉलर ऑल टाइम। और कितना टाइम लगा था इसको बनाने में? ये एक महीना मुझे लगा था इसको। अच्छा, एक महीना लगा था, क्योंकि ये एक फाइन डिटेल भी होती है ना, वो भी मैटर करती है, क्योंकि अगर वो फारिग हो जाए ना तो पूरी स्केच फारिग हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने स्केचिंग किसी से सीखी है या खुद ब खुद आप बनाते गए और आपको आता गया? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अच्छा, मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता वैसे इतनी, मुझे समझ नहीं आता, बन जाती है। इसीलिए तो मैंने कहा गॉड गिफ्टेड चीज है आप में, मतलब आप स्केचिंग भी नहीं करते, और मतलब एक होता है ना कि आपने सीखी हो आर्ट, तो समझ भी आती है कि आपको नाउ हाउ होता है। लोग एनसीए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, एक हमारा इंस्टीट्यूट है, लोग काफी डीएम में बोलते हैं एनसीए में क्या पढ़ते हो, मैंने बोला नहीं। अच्छा, नहीं आप माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आप बहुत आगे जाओ। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई पाकिस्तान में क्रिएटिविटी लेके आओ। अच्छा, क्योंकि हाँ, ये तो वैसे है, मैं थक गया हूँ भाई फजूल कंटेंट देख देख के। तो हाँ, बिल्कुल, एक मैं ये नहीं कह रहा भाई आर्ट करो, और भी काफी चीजें लोग, एक्चुअली पाकिस्तान में इतना टैलेंट है अगर उसे यूटिलाइज किया जाए। प्रेजेंटिंग यू आवर फास्टेस्ट बोलर, हिज फास्टेस्ट डिलीवरी इज 161.3 किलोमीटर्स पर आवर। द वन एंड ओनली रावलपिंडी एक्सप्रेस। तीन हमने ऑफ को दिया चैलेंज, और अब हम देखते हैं ये कौन सी पर्सनैलिटी का स्केच बनाने लग गया। अच्छा ऑफ, कौन सी पर्सनैलिटी का स्केच बनाओगे? अभी मैं बना रहा हूँ कायद आजम और इमरान खान। अच्छा, कायद आजम और इमरान खान, और ये किस तरह कर लेते हो? ये बिल्कुल डिफरेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं हैरान हो रही हूँ और इम्प्रेस भी काफ़ी हूँ आपसे ना, मतलब एक साइड पर डिफरेंट पर्सनैलिटी, एक साइड पर डिफरेंट पर्सनैलिटी, तो किस तरह कर लेते हो? ये मुझे खुद नहीं पता, अगर मैं सच बताऊं, बोला बस मैं कर लेता हूँ एक साइड पे, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ इधर 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 इधर। अच्छा, माइक्रो सेकेंड आप कह सकते हैं। अच्छा, और इसे कितना टाइम लगेगा बनने में? ये मुझे मुश्किल से 20 मिनट। अब तो प्रैक्टिस होगी होगी आप ही बना बना के। जी जी, मतलब एक माइंड में एक एल्यूजन सेट कर लेता हूँ ना, एक माइंड के अंदर, तो ऐसा हो जाता ही। तो
ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बल्कि हो गया पूरा कंप्लीट हो गया है। जी नाज़रीन, आप जैसा कि देख सकते हैं कितनी खूबसूरत स्केचिंग की है ऑफ ने, और इन्होंने हमें अपना टाइम दिया है। थैंक यू सो मच ऑफ, आपने हमें टाइम दिया, हमें बुलाया, हमने आपका टैलेंट देखा है माशाल्लाह, काफ़ी वायरल हो आप। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आगे लेके जाए, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी नाज़रीन। एक नई एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।